देंगे नहीं, और अगर जिहाद है तो जिहाद की तारीफ करें। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, एक शख्स ने आकर सवाल किया, एक शख्स माल के लिए लड़ता है, एक शख्स कौम कबीले के लिए लड़ता है, एक शख्स वतन के लिए लड़ता है, मन कातला फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिद किताल कौन कर रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल समझाया, ये असूल हर जगह पे फिट कर लो, ठीक है। आपने फरमाया मन कातला लितकून कलिमतुल्लाह हिल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो इसलिए लड़ाई लड़े, जो इसलिए जंग करे कि अल्लाह की तौहीद, लितकून कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा, अल्लाह की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत गालिब आए, फहुवा फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद है। और इसके अलावा कोई वतन की आजादी के लिए लड़ता है, कोई कौम और कबीले के लिए लड़ता है, माल और दौलत के लिए लड़ता है, तो वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। कश्मीर की जंग के तीन मकसद हैं, तीन नजरियों के लोग कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं। एक लिबरेशन फ्रंट वाले जो मकामी कश्मीरी हैं, उनका नारा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। मैंने खुद उनके नारे कई पहाड़ियों पर पढ़े हैं, आजाद कश्मीर में से गुजरते हुए कोटली साइड पर, वतन या मौत, वतन या कब्र, वतन या कफन। इनकी जंग कुफर की जंग है, वतनियत की जंग है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है। दूसरा गिरोह मुफ्ती सईद अब्दुल्ला ग्रुप, मीर वाइज ग्रुप, जो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं, जो मकामी इस वक्त हुकूमत है वो इंडिया के साथ इल्हाक चाहती है, तो इंडिया के साथ इल्हाक करने वाले भी अल्लाह की तौहीद के लिए नहीं लड़ रहे, वो भी वतन परस्ती की जंग कर रहे हैं, वतनियत की जंग है, इस्लाम नहीं है। कड़वी बात है, लेकिन मजबूर हूं, मस्जिद में खड़ा हूं, डंडी नहीं मार सकता, झूठ नहीं बोल सकता। क्यामत के दिन आग की लुगाम पहनाई जाएगी उस मौलवी को जो लोगों के माथों पे पड़ने वाले बल को देखकर मसला बदल जाते हैं। मस्जिद में खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल सकता, पूछा गया है तो मजबूर हूं जवाब देने पर। जो पाकिस्तान से लोग जाके कश्मीर में लड़ रहे हैं, जिनको ISI लड़वा रही है, पाकिस्तानी फौज लड़वा रही है, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज करवाती है, उनके ट्रेनिंग सेंटर वो चलाती है, उनको चंदा वो देती है, फंडिंग वो देती है, उनके रिसाले वो छपवाती है, उनके खर्चे वो उठवाती है, बंदा अंदर जाके मर जाता है, 40,000 रुपए तंजीम को पाकिस्तानी फौज देती है, उनका नजरिया क्या है? कश्मीर बनेगा, बोलो, कोई पाकिस्तानी नहीं बैठा यहां पर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। तो वतन की जंग है, इस्लाम नहीं है, तौहीद नहीं है, कुफर की जंग है, वतनियत की जंग है, ठीक है। मेरी बात कड़वी है लेकिन माफ कर देना, चंदा लेने नहीं आया, दोबारा ना बुलाना, नहीं आऊंगा, नाराज हो जाओगे तो। लेकिन याद कर लो, याद कर लो, हमारे पाकिस्तान लाहौर में मैंने देखा है कई तंजीमों के जलसों को इश्तिहार छपते हैं, तकमील पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान, कि कश्मीर की जंग तकमील पाकिस्तान की जंग है, कश्मीर की जंग इस्तेहकाम पाकिस्तान की जंग है। एक मौलवी साहब बहुत बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेता, उनकी तकरीर सुन रहा, वो कहने लगे तुम नहीं समझते पाकिस्तानियों, अगर इंडिया कश्मीर में जीत जाता है तो फिर अगला अटैक पाकिस्तान पर होगा, ठीक है। ये कश्मीर की जंग पाकिस्तान के पानियों की जंग है, पाकिस्तान का पानी रोक लेगा इंडिया हिंद में, कश्मीर में। तो ये सारे नारे वतनियत के नारे हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे नहीं है, ये तौहीद के नारे नहीं है। और जो लाहौर से उठकर श्रीनगर में लड़ने के लिए जा रहा है और वो कहता है मैं तो तौहीद के लिए लड़ रहा हूं, तो उसको पूछो तुझे लाहौर में हजवेरी का दरबार नजर नहीं आता, तुझे लाहौर में घोड़े शाह का दरबार नजर नहीं आता, लाहौर में फैलता हुआ शिर्क और कुफर नजर नहीं आता, अपने घर में आग लगी है, किसी की झोपड़ी की आग बुझाने जा रहा, ठीक है। तो जंग होती है ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो लड़ी जाए, वो तो तौहीद की जंग है, वतनियत की जंगें सियासी जंगें हैं। और इसमें अगर कोई मारा जाता है वो अपने अपने ईमान और अकीदे पे उठाया जाएगा, मवाहिद मरेगा। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया मन कुतिला दूने इर्दिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दूने मालिही फहुवा शहीद, जो जान बचाते हुए मारा गया शहीद है, जो इज्जत बचाते हुए मारा गया वो शहीद है, जो माल बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। अपने अपने मवाहिद मरेगा तो जन्नती है, मुशरिक मरेगा तो वो कश्मीर में मरे, अफगानिस्तान में मरे, इराक में मरे, जहां मर्जी मर जाए, या अली मदद करने वाला मरेगा तो सीधा जहन्नम में, गरीब नवाज का बंदा मरेगा तो जहन्नम में, कश्मीर में लड़ने की वजह से वो जन्नती नहीं हो सकता, ठीक है।
ایمان توحید پہلے ہے، باقی سارے عقیدے اور معاملات بعد میں ہیں. یہ بھائی سفید کاغذ کیوں